ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपाहोलिक हिना। सो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी और अभी आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा मीशो हॉल पार्ट टू। इसके अंदर मैं शेयर करूंगी अपने कुछ कुर्ती एंड कुर्ती सेट जो कि बाय करे थे मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए। सो बिल्कुल भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। सो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो एक इनवाइटी कोड होगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। इनकेस अगर आपने लॉग इन नहीं किया है तो वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोड मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर ये अवेलेबल हुआ वो कोड डालकर जो भी सूट आपको पसंद आता है आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आज कौन से मैं कुर्ती सेट आपको दिखाने वाली हूँ। सो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट। पहले ये कुर्ती है जो कि मैंने अपने मदर के लिए बाय किया था और ये है बिल्कुल लाइट कलर में, जिस तरीके का लाइट कलर आप चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मदर के लिए ही आप बाय करें, गर्ल्स को भी काफी ज्यादा डिसेंट और ठंडे कलर पसंद होते हैं समर में, खास करके इतनी गर्मी में। डेली अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरीके के कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो ब्लॉक हील्स के साथ डाल सकते हैं, जूती के साथ डाल सकते हैं, नॉर्मल इयररिंग्स ले सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसेंट ये लुक दे। इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है मैं स्क्रीन पर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, पॉसिबल हो तो जरूर चेक करते जाइएगा। और ये है आपका कुर्ती जो कि आती है विद पैंट्स और आप कह सकते हैं प्लाजो। सो इस तरीके का ये पैटर्न में आता है। सबसे पहले कुर्ती दिखा देती हूँ। तो ये है कुर्ती, ये इसका पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रिंट है। अभी तक तो एक से दो बार ही पहना गया है तो कोई भी इसके अंदर से प्रिंट रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन बाद में क्या होगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि अभी तक तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला। आप देख सकते हैं बाजू के नीचे हिस्से पर भी आपको ये पैटर्न दिया गया है। और ज्यादातर जितने भी कुर्ती होते हैं, अगर आप कितनी भी महंगी ले लो, बाजू जो होती है बहुत ज्यादा प्लेन देते हैं जिसके वजह से थोड़ा वो अजीब लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको बाजू पे पैटर्न दिया गया है। इवन आप देख सकते हैं दामन पर भी सेम पैटर्न यूज हुआ है, सिर्फ गला इसका नॉर्मल है जो कि है राउंड नेक। तो इस तरीके का होल पैटर्न है आप देख सकते हैं, और कॉटन फैब्रिक है तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, ब्रीथेबल आप कह सकते हैं स्टफ है इसका। सो आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिसेंट अमाउंट में ये आपको मिल जाता है। इसके साथ पैंट आती है, पैंट भी बहुत अच्छी है, आप व्हाइट कुर्ते के साथ भी इसे पहन सकते हैं। पैंट है, प्लाजो है जिसकी मैं बात कर रही थी कि व्हाइट कुर्ते के साथ आप पहन सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का अगर आपके पास कुर्ता है तो भी पहन सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, ये भी स्मॉल साइज है, तो यस आप ये देख के मंगाइएगा। अगर आपका मीडियम साइज आता है तो स्मॉल साइज ही मीशो पर मंगाएं। तो इस तरीके का पैटर्न है, इसके अंदर नीचे कोई पैटर्न दिया गया नॉर्मल है, इलास्टिक फॉर्म में आता है ये, कमर का आपको साइज इसके अंदर मिल जाता है। हमारा पहला कुर्ती सेट। देन नेक्स्ट मैं एक और कुर्ते सेट की बात करने वाली हूँ जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैंने इसे काफी टाइम से देख रही थी और मैंने इसे बाय किया था अपने फर्स्ट ऑर्डर पे, तो मुझे इसमें 100 रुपीज ऑफ भी मिल गया था, मुझे काफी अच्छी डील लगी थी इसे बाय करना इस पर्टिकुलर अमाउंट पे। सो यस ये है इशीन का ही ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर में ये आप कह सकते हैं लहंगा कुर्ता सेट। लहंगा क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, स्कर्ट भी कह सकते हैं, कुर्ता भी कह सकते हैं। ये आता है विद आपका मास्क, इशीन की बहुत अच्छी बात है ये मास्क भेजते हैं, भले ही अगर उसमें अवेलेबल नहीं होता सेम कलर में, लेकिन ये मास्क भेजते ही भेजते हैं, ऐसा मैंने कई रिव्यूज में भी देखा है। सो ये है आपका कुर्ता, ये इस पैटर्न में आपको कुर्ता रिसीव होता है, ये स्मॉल साइज है और आप देखिए इसके अंदर ये काफी यूनिक पैटर्न बना है। जैसे कि मैंने पिछला इशीन, आपने अगर वीडियो देखा होगा उसके अंदर भी मैंने इशीन का जो दिखाया था, इसी तरीके के टेसल्स के साथ वो डोरी देते हैं नेक पर, और पैटर्न गले का बहुत अच्छा लगता है आपका, राउंड नेक नहीं है, बहुत सिंपल नहीं लगता। इसके साथ साथ यहाँ पे लेसेस आपको मिलते हैं, सिप्पी लगे हैं यहाँ पे, जो पेपर मिरर्स होते हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। काफी अच्छा कपड़ा है, शेयर नहीं है, कॉटन बेस्ड है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी प्रिंटिंग दी गई है। इसके ऊपर ये जो गोल्डन आप देख रहे हैं, ये मुझे चांस हाई है कि ये निकल जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने इसे वॉश नहीं किया है। और नीचे से इसी तरीके का प्रिंटिंग और जो इनका पैटर्न था नेक पर, उसी का ही इन्होंने बाजू पर भी दिया हुआ है पैटर्न। 3/4 साइज की आपको इसकी बाजू मिलती है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे चाक पर कोई पैटर्न नहीं है, नीचे तक ये पूरा प्लेन है। तो ये इसका एक्चुअल टेक्सचर है, पीछे से आप ये देख सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ये कुर्ता पीस है। ये भी अंडर 1000 रुपीज है, और इसके साथ आपको ना ही प्लाजो मिलता है, ना ही पैंट्स, ना ही पजामी, इसके अंदर आपको मिलता है एक स्कर्ट।
तो इस तरीके का ये स्कर्ट है, काफी अच्छा फ्लेयर है इसका, बहुत डिसेंट आता है लुक जब आप इसे पहनते हैं। आगे इसके डोरी दी गई है तो आप यू नो अपने साइज के अकॉर्डिंगली टाइट कर सकते हैं, और फ्लेयर भी आप ये देख सकते हैं काफी ह्यूज है। नीचे सेम पैटर्न का यू नो इन्होंने गोटा लगा रखा है, और आप कह सकते हैं प्रिंटिंग दी गई है इस तरीके से। तो ये पहनने में काफी अच्छा लगता है, हाई हील्स पे पहन सकते हैं, फंक्शन में आप पहन सकते हैं छोटे मोटे, चाहे हल्दी हो मेहंदी हो, जैसे मैंने उसमें भी बताया। खुद ही इतना अच्छा आउटफिट है कि ओवरऑल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैं जरूर आपको बोलूंगी कि इशीन के कपड़े और इशीन को ही आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि स्टफ वाइज भी काफी अच्छा आता है। क्योंकि मेरे घर में जितनी बार भी इशीन आया है वो रिटर्न नहीं गए हैं, और हमेशा ही उनकी क्वालिटी भी अच्छी रही है। एक तो मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, तो ओवरऑल लुक भी काफी अच्छा आता है जब आप कहीं पहन के जाएंगे इसे। और स्कर्ट हो चाहे प्लाजो हो, फ्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बोला तो प्लाजो है लेकिन स्ट्रेट पैंट दे दी है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो स्कर्ट आई है, लहंगा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने इसे अभी से वेयर किया था, अगर आप इसे अच्छे से बेल्ट करते हैं या इसके ऊपर ग्रीन साड़ी है रैप कर लेते हैं, तो यू नो इंडो वेस्टर्न साड़ी भी बन जाएगी ये। तो बहुत कुछ खेल सकते हैं आप इस तरीके के, अगर आप कपड़े लेते हैं या फिर कुर्ता सेट लेते हैं तो। सो मस्ट ट्राई, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। देन नेक्स्ट कुर्ते पे आते हैं, जो कि मेरी एल्डर सिस्टर ने बाय किया था, उन्हें काफी ज्यादा पसंद है, वो है ये दिव्यांग। ये है पैंट कुर्ता सेट, और इसी तरीके के पैकेजिंग में आता है। और इसका जो पैटर्न है आपको बता देती हूँ कि क्या यूनिक है ये। एक्चुअली एक तो इसका स्टफ आप देखिए, बिल्कुल ऐसा स्टफ है कि आपकी बॉडी को स्लिम फिट दिखाएगा, बिल्कुल आपके स्किन पे ऐसे लटक जाता है ये, ऐसा फूला फूला ऐसा नहीं लगता है। और इसका जो आगे काम हो रखा है यहाँ पे, ये पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क लगता है ये। और इस तरीके के बटन दिए गए हैं जिसके अंदर क्लोथिंग रैप हो रखी होती है, और बाजू पर भी सेम पैटर्न कढ़ाई दी है, आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा आप देखिए इसके अंदर कटिंग का है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से कट कर सकते हैं। लेकिन इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा दिया है पूरा, आप देख सकते हैं। सिर्फ नीचे से आपको ये प्लेन मिलता है इस तरीके से, बाकी ऊपर नेक भरा मिलेगा आपको, बाजू पे काम मिलेगा। और इसके साथ आती है पैंट, जो कि काफी ज्यादा एलिगेंट ये भी लुक देती है। ये आप ऑफिसेज में डेली वेयर आप पहन सकते हैं, क्योंकि स्टफ भी उसी तरीके से ठंडा है। तो ये है इसकी पैंट, और जैसे कि मैंने हर उसमें बताया कि आगे से ये जो पैंट्स होती है वो प्लेन होती है, पीछे से इसमें रबर दी गई होती है ताकि ये अच्छे से आपको यू नो फिट हो जाए। एंड अच्छा खासा नीचे की प्रिंटिंग है इसके, हाई चांस है कि शायद ये धोने के बाद थोड़ा सा छूटे, लेकिन अभी तक का मेरा इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वॉशेबल नहीं होगा, और ये धीरे धीरे मतलब निकल जाएगा आपके क्लोथ में से। सो ये बाकी ओवरऑल आपका पैटर्न है, जो कि आप देख सकते हैं। तो पैंट्स भी अगर दी गई हैं तो अच्छे खासे मार्जिन के साथ दी गई है, ऐसा नहीं है कि एकदम खड़ी पैंट है तो आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। पियर्स साइजेस होते हैं उनके हिसाब से बनाई गई है, आप जो मेजरमेंट लेते हैं अपना उससे एक्स्ट्रा लेकर ही चले, मतलब स्मॉल साइज ही इनका काफी ज्यादा ह्यूज आता है। तो मीडियम और लार्ज पर तभी जाइए जब आपको लगे कि आप एक मीडियम साइज में बिलोंग करते हैं या उससे ज्यादा बिलोंग करते हैं, क्योंकि साइज का बहुत ज्यादा इशू रहता है। सो जितने भी ये सारी चीजें हैं, इनके मैं जो लिंक होंगे जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्राइसिंग इसीलिए मैं साथ साथ लगा रही हूँ ताकि आप देखते जाएं कि मुझे कितने का पड़ा। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि एक्चुअल आपको इतने का मिलेगा। और अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ आप 100 रुपीज ऑफ करके और आपको इतने का मिलेगा। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मुझे इसका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसके अंदर मैं मीशो रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने नए जितनी भी चीजें मैंने बाय करी है। तो जरूर कॉमेंट करके जाइएगा कि आपको मीशो हॉल कैसा लगा बाकी अदर वीडियोस से मेरी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के भी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।